संवैधानिक पद पर विराजमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया गया। दरअसल संसद में घुसपैठ के बाद लगातार जिस तरह से सांसदों ने हंगामा किया और उसके बाद निलंबन की कार्रवाई हुई और उसके बाद उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया गया, मिमिक्री उड़ाई गई, उसके बाद जो चर्चा का विषय बना हुआ है देश भर में, इस पर आम जनता का क्या कहना है, इसी की सियासी चौपाल को लेकर हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के अग्रसेन वाटिका में, जहां पर तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। आखिरकार क्या कहना है जिस तरह से देश के संवैधानिक पद पर विराजमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक या मिमिक्री बनाई गई, क्या कहेंगे सर आप इस बारे में? देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, ये बहुत ही गरिमापूर्ण पद है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि इनका मजाक उड़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री का भी 20-22 साल से मजाक उड़ाया जा रहा है, प्रधानमंत्री को जो मर्जी जो कुछ कह देता है, ऐसी अभी राष्ट्रपति जो आई उनको उन्होंने अधीर रंजन जी ने बोल दिया। जो ये हमारे सांसद चुने हुए सांसद हैं, जो संसद के अंदर पहुंचे हैं, माननीय एक पद होता है, इनके द्वारा इस तरह का कृत्य करना कितना सही मानते हैं? कुकृत्य है, ये कृत्य नहीं है। इनको तो बिल्कुल, इनके खिलाफ जो FIR हुई है अभी थाने में, इनको बंद कर देना चाहिए और इनकी जो है सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन किया है उपराष्ट्रपति को और कहा, उनको अपनी सांत्वना दी है और कहा है कि ये जो हुआ वो गलत है, वो खुद भी झेलते आ रहे हैं, उनका ऐसा कहना है। और लेकिन उपराष्ट्रपति ने ये कहा है कि जिस संवैधानिक पद पर वो हैं वो उससे पीछे नहीं हटेंगे, वो लगातार अपना काम करते रहेंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री ने बहुत बढ़िया स्टेप उठाया कि वो उपराष्ट्रपति को आश्वासन दिया है, उन्होंने उनकी इज्जत रखी है। लेकिन ये जो हमारे MP हैं, ये इन्हों की वाहियात बहुत ही शर्मनाक करतूत है और ये इनको शोभा नहीं देता। आम जनता, हम लोग सब सोच रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ऐसे तो मतलब बेपढ़े लिखे आदमी भी नहीं करते। मतलब सांसद जो है खुद नियम बनाते हैं और उसके बाद उन नियमों को खुद ही तोड़ देते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो बहुत चिंताजनक है, हमें ऐसे आदमियों को भेजना ही नहीं चाहिए वहाँ। बाबूजी, आपने कभी देखा इतने सालों के अपने करियर में कि इस तरह से एक संवैधानिक पद पर उपराष्ट्रपति जो हैं जगदीप धनखड़? ये पहली बार ऐसा देखा है, जो भी बहुत चिंताजनक बात है कि हमारे जो सम्मानित MP हैं वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। राष्ट्रपति जो है बहुत, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये गरिमा के पद हैं, लेकिन जिस तरह का व्यवहार किया गया है वहाँ बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और NMP के खिलाफ कठोर सजा इनको मिलनी चाहिए। 24 में लग रहा है ये मजाक वाकई विपक्ष पर भारी पड़ने वाला है और इसका जवाब जनता देगी? जी बिल्कुल, भारी पड़ेगा और जनता का जवाब देगी और BJP जो है अपनी तीसरी पारी में 400 से भी ज्यादा सीटों से आएगी। सांसदों ने खुद नियम बनाया और खुद ही इस नियम का मजाक उड़ा दिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होने चाहिए। सांसद तो बहुत प्रतिष्ठित होते हैं, माननीय इन्हें कहा जाता है और ये ऐसी स्थिति में आ गए कि इस तरह से जो है इन्होंने वहाँ बिल्कुल बेर धनखड़ जी के मना करने के बाद भी ये दीर्घा में आते रहे और परेशान करते रहे। इन्होंने बिल्कुल किसी तरह से मान के नहीं दी, पूरे नंगपने में आके इन्होंने जो है संसद में जो ड्रामा करा वो इनका बहुत अशोभनीय है, जनता देख रही है, बराबर TV पर आ रहा है, इसका इन्हें बहुत भारी खमियाजा उठाना पड़ेगा। 24 में ये मजाक भारी पड़ने वाला है, लग रहा है आपको? हाँ, 24 में बहुत भारी पड़ेगा, जनता देख रही है कि ऐसे सांसदों को चुन के भेजने का कोई फायदा नहीं है, जो संसद में जाकर संसद की गरिमा को भंग करते हैं और ये गलत व्यवहार करते हैं। क्या लगता है 24 में भारी पड़ने वाला है? 24 में बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा, ये अपने 3 राज्य की हार की जो झेप है उसको मिटाने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, निलंबन जो है ये अनुशासन या तानाशाही है या मिमिक्री से विपक्ष की वाहवाही है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, जो चीज घटनाक्रम पिछले दिनों हो रहा है ये एक ड्रामा चल रहा है, आपका क्या मानना है? मेरा तो ये मानना है कि जैसे विनाश काल है विपरीत बुद्धि, अब इनकी बुद्धि ऊपर चल रही है इधर, इसके जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं जैसे चोबा जाए बौखलाते जा रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं जो ये अभी चल रहा है, ड्रामा चल रहा है संसद के अंदर? पहले निलंबन की कार्यवाही की गई और निलंबन के बाद जो माननीय एक पद कहा जाता है, माननीय सांसद कहा जाता है, और वही सांसद एक उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते हैं। लेकिन महामहिम का पद तो माननीय से ऊपर है, देश में गिने चुने लोगों को महामहिम की उपाधि मिलती है और उसका वो अपमान करना तो बहुत अशोभनीय है। आपका क्या कहना है इस पूरे चर्चा आपने सुनी? लोगों का बचकाना हरकतें हैं ये अपना, जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली जो है खंभा नोचती है, जब हार जाती है कहीं से खिसिया जाती है, उसे दिख गया कि भाई हमारा
झारखंड हाथ से निकल गया, राजस्थान हाथ से निकल गया, तो जब जब जब, जब हाथ से निकलते जाएंगे अलग अलग राज्य जो है तो क्या करेगी, उल्टे से झगड़े करने के लिए उल्टे से मिमिक्री करेगी, कार्टून बनाएगी तरह तरह के, जो चीज नहीं करना चाहिए। जिसको जो काम दिया जाए वो काम अपना काम करे ज्यादा अच्छा है। मिमिक्री करने का काम आर्टिस्ट का है, उसको करना चाहिए। यदि संसद सदस्य या इस तरह के लोग यदि मिमिक्री का काम करेंगे तो फिल्मों में आ जाए ज्यादा अच्छा है, फिल्मों में आ जाए। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने उठाई है। अगर जो सांसद है, माननीय सांसद जिनको हम कहते हैं, अगर वो मिमिक्री करते हैं और खासतौर पर एक संवैधानिक पद पर विराजमान व्यक्ति की, तो उनको फिल्मों में आ जाना चाहिए अपने पद का त्याग कर कर। आप भी यही मानते हैं कि 24 के अंदर भारी पड़ेगी मिमिक्री? बिल्कुल, बहुत भारी पड़ेगी। ये तो अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। जब कांग्रेस के एक बड़े सीनियर नेता प्रमोद कृष्ण जैसे, वो जब ये कह रहे हैं कि सड़क छाप नहीं होना चाहिए, तो ये खुद ही का अपना गलत चीज है। बिल्कुल, धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो तमाम लोगों से हमने बात की और साफ तौर पर कहना है जिस तरह से ये मिमिक्री इन्होंने यहाँ पर की है, ये 2024 के अंदर इन पर भारी पड़ने वाली है और 2024 में इस मिमिक्री का जवाब जनता इनको देगी। संसद की सुरक्षा में चूक के मसले पर विपक्षी सांसद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके साथ ही उनके निलंबन का सिलसिला भी लगातार जारी है। अब तक 140 से अधिक सांसदों का निलंबन किया जा चुका है। यही वजह है कि उनमें हताशा और निराशा भी देखने को मिल रही है। टीएमसी के एक सांसद ने उपसभापति राज्यसभा के उनका अपमान किया, उनकी मिमिक्री की और इस पर पीएम मोदी ने उनको फ़ोन करके सांत्वना दी और साथ ही साथ ये भी कहा कि वह भी 20 सालों से इस तरीके का अपमान झेलते चले आ रहे हैं। कानपुर के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या सोच रखते हैं इस बारे में, क्या सोचते हैं, अच्छा हुआ, गलत हुआ या इसके क्या परिणाम होंगे। ये बताइए, क्या लगता है जिस तरीके से हरकत इस संसद में हुई है उसको लेकर क्या असर देख रहे हैं आप, आगे आने वाली राजनीति में क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? अतिनिर्णयकार किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति एक गरिमामयी पद होता है, ठीक है, संवैधानिक पद होता है, और मिमिक्री करना उचित नहीं है। क्या लगता है क्यों विपक्ष इस तरीके की हरकतें कर रहा है? एक कहावत कही गई है कि सियाने बिल्ली खम्बा नोचे, वही चल रहा है। विपक्ष की हरकतें इसीलिए निंदनीय हो रही हैं, वो अपनी गरिमा भूल चुके हैं, अपनी मर्यादा भूल चुके हैं। मैं सोचता हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, ठीक है, आप विपक्ष में हैं, आप एक बड़ी लेवल की राजनीति कर रहे हैं और इस तरह के मिमिक्री करेंगे, बयान देंगे या किसी की मर्यादाओं को ठेस पहुंचाएंगे, तो उचित नहीं होता ये। सांसदों को माननीय कहा जाता है और बड़ा हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो आम जनता के लिए, लेकिन उनके द्वारा अगर मिमिक्री की जाती है और इस सत्तासीन पर बैठ करके ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति की जो कि संवैधानिक पद है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको क्यों हुआ ये? पहली बात तो जैसे मेरे अधिवक्ता भाई ने कहा, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के साथ जो उछेपन का कार्य किया गया, प्लस माननीय राहुल जी जिस हिसाब से वीडियो शूट कर रहे थे, यह सरासर हमारे समझ से यह गलत है। संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति के साथ ऐसा कृत्य करना निंदनीय है, इसका हम लोग खंडन करते हैं। और तीन राज्यों में जो चुनाव के परिणाम आए, कुछ इससे भी हताश है विपक्ष, प्लस जिस हिसाब से आपस में ये लोग सीटों का समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आपस के मतभेद और उसका फ्रस्ट्रेशन ये लोग निकाल कहीं रहे हैं, यह बिल्कुल ही सरासर निंदनीय है, इसका हम लोग खंडन व विरोध करते हैं। क्या लगता है कि ये ओछी हरकत है या विपक्ष की हताशा या कोई मैसेज देना चाह रहा था विपक्ष इससे? इस समय जो कांग्रेस के सांसद वो खिसियाए हुए हैं, वो मोदी जी की छवि को गिराना चाहते हैं, उपराष्ट्रपति का आप अपमान कर रहे हैं, उनको आप खेल बना रहे हैं, ये पूरा देश विदेश तक देख रहा है और विदेश में आप मोदी जी की छवि को गिराना चाहते हैं। इसलिए मैं उन कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं, उन कांग्रेसी सांसदों से कहना चाहता हूं, आपके मंत्री के यहाँ 350 करोड़ रुपये निकलता है नगद, आप उसके विषय में कुछ नहीं बोलते हैं और हमारे उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं और इसमें पूरे आप देश का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ये विदेश की मीडिया भी चला रही है। तो मैं उन सांसदों से निवेदन करना चाहता हूं और उनको ये सलाह देना चाहता हूं कि आने वाले 2024 में अगर आप ये कृत्य करेंगे तो आपको जनता दिखा देगी कि आप देश विदेश में हमारे भारत का नाम गिरा रहे हैं। टीएमसी सांसद ने बयान दिया कि उनकी मंशा ऐसी नहीं थी, उन्होंने मजाक में ऐसा कर दिया, लेकिन इसका मैसेज बहुत दूर तक गया है, तो इसका इम्पैक्ट क्या लगता है, क्या असर पड़ेगा इसका? बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति उनके बस में नहीं है, तो अपना एक दूसरा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, अपना एक अलग सोच देख रहे हैं, क्योंकि राजनीति उनके बस में नहीं है, तो देख रहे हैं कुछ और मिमिक्री में कुछ कोई प्लेटफॉर्म देखेंगे, हास्य कलाकार बनेंगे, क्योंकि राजनीति वो लोग नहीं कर पा रहे हैं।
अच्छा काम कर रहे हैं और करें, इंटरटेन कर रहे हैं लोगों को। लोकसभा चुनाव में किस तरीके का असर देख रहे हैं, इसका क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? सर आप जानते ही हैं, माननीय मोदी जी हर जगह हैं, अब कोई हास्य कलाकार बन रहा है, कोई वीडियोग्राफर बन रहा है, यही काम बचे यही करेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से मोदी की गारंटी की बात की जा रही है उसकी हताशा ही है कि विपक्ष इस तरीके से लगातार हमलावर है? पहले तो संसद की सुरक्षा को लेकर के जो मामला चल रहा था, इसके बाद जब लगातार निलंबन हो रहा है उनका हंगामा करने की वजह से, तो इस तरीके की हरकत कर दी। ये वर्तमान समय में एक हास्यपद है और देश के लिए बहुत सोचने का विषय है कि विपक्ष द्वारा जो कभी पुराने समय में मुद्दे उठाए जाते थे, अब वो मुद्दे ना उठाकर राजनीति की ओछी हरकतों पे उतारू हो गए हैं, और इससे हमारे राष्ट्र का अन्य देशों में बहुत बदनामी भी हो रही है। और इस तरह के जोकरों को माननीय न्यायालय द्वारा हटाया भी गया इनके सदस्यता से, और 2024 का ये चुनाव आम जनता दिखा देगी कि जो हमारे राष्ट्र का कौतूहल बनाते हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति का मजाक बनाते हैं, उनको हमें किस तरह से ढेर करना है। 2024 में इसका जनता जवाब देगी, और वो जवाब मत के रूप में होगा, और फिर एक बार मोदी की सरकार आएगी। डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? जनता अब जागरूक हो चुकी है। वर्तमान सरकार 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, तो जनता को बहुत से अपने ऐसे अधिकारों के बारे में मालूम पड़ा है जो आम जनमानस तक पहले की सरकारों में वो चीज़ नहीं पहुंची है। तो अब ये कितना भी है जिस तरीके से अपमान कर रहे हैं, इसके पूर्व में भी उन्होंने मोदी जी के लिए भी बहुत असभ्य शब्दों का प्रयोग किया है, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए भी, और वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी। तो अभी इन्होंने अपने को सरकार में स्थापित करने के लिए, अपनी सरकार आने के लिए इन्होंने एक गठबंधन बनाया था, इंडिया गठबंधन। तो अभी मैं जो कल ये परसों ये जो घटना हुई है राज्यसभा के अंदर, उसके लिए मैं किसी एक व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, उसके लिए मैं जो भी इनका दल बना हुआ है 22-24 दलों को बनाकर इंडिया गठबंधन, इसके सभी सदस्य दोषी हैं। और जो इस समय ये 141 सांसद सस्पेंड किए गए हैं, उसका कारण केवल यही है। अभी हम लोगों को, आम जनता को अब मालूम पड़ रहा है कि ऐसे भी नियम होते हैं कि सांसद को भी सजा हो सकती है उनकी सभा के अंदर। तो जो इनकी अभद्रता है, जो भी बदतमीजी है, उनका जवाब इनको जनता 2024 के चुनाव में जरूर देगी। तो आप ये मानते हैं कि जो निलंबन हो रहा है उनका, उनकी असभ्यता की वजह से हो रहा है, अमर्यादित टिप्पणियों की वजह से हो रहा है, अमर्यादित तरीके से हंगामा करने की वजह से हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि एक चीज़ समझने लायक है ना, ये सरकार अभी 10 साल से है, 2014 से। ये जो नियम आज के समय पर है कि हाँ सांसद सस्पेंड हो रहे हैं, यही नियम पूर्व के भी सरकार में होंगे। तो यदि भाजपा या किसी अन्य दल के सांसद अगर इतने अभद्र और बदतमीजी भरा व्यवहार करते थे, तो पहले की सरकारों ने या पहले के जो सभापति थे उन्होंने उनको इस तरीके की सजा क्यों नहीं दी? ये तो आज जनता को मालूम पड़ रहा है ना कि इस तरीके का कोई नियम होता है कि सांसद द्वारा अभद्रता करने पर सदन के अंदर उसको निष्कासन किया जा सकता है, और वही आज के समय में हो रहा है। उपराष्ट्रपति का अपमान, उनकी मिमिक्री किया जाना, इसे पूरे देश ने देखा, क्या लगता है कि राजनीति में कितना असर पड़ने जा रहा है इसका? ये तो पहली चीज़, उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है जिसकी गरिमा का स्वच्छ अपमान है, और एक सत्ताधारी परिवार जो कई सालों से सत्ता में रही है, उनके वारिसान द्वारा वीडियो बनाया जाना, ये तो घोर निंदनीय है। घोर निंदनीय है। कानपुर के लोगों का ये कहना है कि इस तरीके की जो घटना हुई है उसको जनता किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगी, ये विपक्ष की पूरी तरीके से हताशा है, क्योंकि मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, ऐसे में विपक्ष मुद्दा विहीन है और वे लगातार ऐसे मुद्दों को मुद्दा बना रहा है जो कि वास्तव में जनता के लिए मुद्दा नहीं होते। हजरतगंज के उस इलाके में हम लोग हैं जहाँ पे दारुलशफा है, इस परिचय को मैं कई बार करा चुका हूँ, और यहाँ हम सियासी चौक करने आ गए, बल्कि यहाँ के लोगों का ही अपना एक दिया हुआ नाम है कि ये नेता मंडी है। ये नेता मंडी को हम दूर से पहले दिखा दें कि यहाँ हम लोग के बाद बहुत सारे कैमरे लगने लगे, क्योंकि यहाँ बाकायदा तैयारी हो जाती है। तो अब आज हम इस विषय को लेकर के बात कर रहे हैं कि आखिर ये बताइए भाई साहब, जिस तरीके से मिमिक्री का ड्रामा हुआ, आप इसे किस निगाह से देखते हैं? भाई देखिए, ये तो बहुत ख़राब है ड्रामा करना, ये तो अच्छी बात है नहीं नेताओं के लिए। कोई राष्ट्रपति को सम्मान दे रहा हो, कोई फोटो खींच रहा हो, ये तो मिमिक्री है ही। अब आप इसी से आप मीडिया वाले दिखा लीजिए इनकी कितनी बड़ी परिपक्वता है कि देश की तुम उस अदालत में शायद आती, हमारा जगह तक यहाँ 2-3 बार से तो सांसद आई हैं, उसमें बैठ रहे, तुमको उसमें बैठने की सभ्यता उनके साथ कैसा करें ये नहीं मालूम, जो बात तुमको अंदर करनी चाहिए तुम जा करके फोटो खींच रहे। जब माहौल टाइट हो जाता है तो उसको हल्का करने के लिए, तनाव दूर करने के लिए मिमिक्री की जाती है। अब इसको कौन किस तरीके से लेना चाहता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है ना,
तो हो सकता है मजाक को ये लोग सीरियस ले रहे हों, तो लेना चाहिए इनको, जो लेना चाहते हैं जो तनाव में हो लेते रहें, बाकी जिनको हल्का रहा ना वो मिमिक्री से खुश है। इतने बड़े संवैधानिक पद पर रहते हुए उनका उनका मिमिक्री नाटक बनाया जा रहा है। हम तो कह रहे हैं इनको, इनका सांसद वो तो ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल सस्पेंड कर देना चाहिए, और तब तक नहीं बहाल होना चाहिए, इनके ऊपर राजनीतिक बैन लग जाना चाहिए, और हम तो कहेंगे देशद्रोह का मुकदमा भी लिखना चाहिए इनके ऊपर। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ना कोई, आप बताइए गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक अगर एक भी सीट कांग्रेस की निकलती हो तो बताइए हमें, स्वयं सोनिया गांधी जी हारेंगी रायबरेली से। और राय और सुनिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सोनिया गांधी जी से आप पूछ लीजिए, 2019 नामांकन करके और जीत के चली गई हैं, आज तक वहाँ दिखाई नहीं पड़ी है। इनकी मान्यता खत्म हो चुकी है, ये इनको अंगूठा मिल गया है ना भाजपा से, सुनो मेरी बात, ये इनको ये पहनाव मिल गया है, इनकी मानसिकता खत्म हो चुकी है, कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस जीतेगी, राहुल जी आगे बढ़ेंगे, खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और इस तरह का मजाक चलता है, ये मजाक कर रहे हैं बस। और जो आपके मजाक शो चल रहा है, कपिल शर्मा शो चल रहा है, जहाँ प्रधानमंत्री जाकर के उनको सुनता है, राष्ट्रपति जाके सुन रहा है, तो क्यों नहीं बैन लगा देते कपिल शर्मा शो, सोनी टीवी को बंद कर देते। कपिल शर्मा और सांसद में अंतर है, माहौल हल्का किया जाता है। कपिल शर्मा शो और संसद, ये दो देखिए साहब, दोनों दो पहरे हैं, इसको एक में समायोजित करके देखिए उनके पास तर्क होगा। मैं ये नहीं कहता कि जो मैं तर्क दे रहा हूँ यही तर्क सही है, हो सकता है कि जो तर्क हम जानते हो मिश्रा जी ना जानते हो, आज जो ये जानते हो मैं ना जानता हूँ, लेकिन इसके संदर्भ में मैं इतना कह दूँ कि किसी भी चीज का नहीं, जो कुछ हुआ ठीक हुआ नहीं, वो ठीक हुआ कि नहीं, नहीं ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ कि कई ऐसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वर्तमान में जो है या और पीछे थे, कई बार उन पे मिमिक्री होती है, इसको इतना बड़ा इशू नहीं। उदाहरण बताइए, उदाहरण बताइए। मोदी पे श्याम रंगीला करते हैं, मनमोहन सिंह पे श्याम रंगीला करते हैं, कितने बड़े वो आर्टिस्ट है ना, सांसद थोड़ी करता है, सब पार्लियामेंट के बाहर सांसद नहीं। मैं वो उस पे आ जाता हूँ, वैसे भी आपने कहा कि एक तो भैया पहले तो धैर्य रखना चाहिए, तो धैर्य तो ठीक है, वो कलाकार करते हैं, उन पे तो कभी कोई चीज नहीं हुई। नहीं तो जैसे कलाकार हैं वैसे ये भी कलाकार, ये भी आम आदमी है, और हर आम आदमी ये जनता के कलाकार, आदमी के अंदर कलाकार हो।